अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के हुक्म से खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की बेहतरीन से बेहतरीन हालतों में रखे। हमारी आज की बात है, अगर आपको समझ नहीं आती कि आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है तो इसको तलाश करें। अगर ये समझ नहीं आता कि अगर करना क्या है तो गुनाहों से निकी की तरफ हिजरत करना पहला स्टेप है। अपनी ज़िंदगी से वो चीज़ें निकालें जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करवाती हैं, और फिर खाली जगह ना छोड़ें, गुनाहों की जगह नेकियों को रिप्लेस करें। इन दोस्तों से निकलें जो आपका वक्त ज़ाया करते हैं, और किसी अच्छे काम में अपने वक्त लगाएं। कुरान से लाजमी जोड़ें, और आखिर में ये चीज़ की दुआ करें, अल्लाह आपको ज़िंदगी का मकसद दे दे। आमीन या रब्बल आमीन। ये हम बना रहे घर पर है, ये हमारे पेड़े के लिए हैं, ये हमारे घर है, ये हमारा बिलन है, ये हमारा पुश्ता है। अब हम रोटी को बेलते हैं, रोटी ने बेल ली है। ये हमारी दाल है, ये हमारे पुश्ता पर रोटी है। तो अब इसमें दाल रखते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा खुशका लगाते हैं। वहाँ से ही हम इसको बड़ा कर लेते हैं, इसको हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि फट ही ना जाए हमारी रोटी पराठा। ये हमारा पराठा बेल जाएगा, अब हम इसको तवे पे डालते हैं। तवा हमारा गर्म हो गया, अब इसके ऊपर पराठा डालते हैं। ये हमने इसके ऊपर पराठा डाल दिया है, ये हमने इसकी साइड चेंज कर ली है। अब इसके ऊपर हम ऑयल लगाते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता इसको करेंगे टूट ना जाए। माशाल्लाह ये हमारा पराठा बन गया है, इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। गर्म है, ये देखें गर्म बहुत है। ये हमारा दाल वाला पराठा बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी।